देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला के अधीक्षक अभियंता की अध्यक्षता में सर्कल लेवल पर बिजली विभाग की ओर से जनता दरबार लगाया गया। उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए हर मंगलवार को अम्बाला में कंज्यूमर फोरम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में अम्बाला के अधीक्षक अभियंता की अध्यक्षता में सर्कल लेवल पर बिजली जनता दरबार लगाया गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि बिजली जनता दरबार में मात्र 3 उपभोक्ता ही अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली विभाग की ओर से कंज्यूमर फोरम का सही तरीके से प्रचार नहीं किया जा रहा है और न ही उपभोक्ताओं के पास ये जानकारी पहुंच पा रही है। अधीक्षक अभियंता वीके बरनवाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर के माध्यम से जनता तक कंज्यूमर फोरम के बारे में सूचना दी जाती है। जो भी शिकायतें आ जाई हैं उनको जांच के लिए बिजली अधिकारियों के पास भेजा गया है, जिसके बाद उनको हल किया जाएगा। वहीं अपनी शिकायत लेकर बिजली दरबार में पहुंचे उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल उठाए। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। गांव महमूदपुर से आए हैं, हमारा एक पोल्ट्री फार्म का कनेक्शन है वहाँ पे, और ये 2021 में नवंबर में हमारे मीटर में प्रॉब्लम आई थी और उसका हमने जो भी चार्जेज होते हैं वो जमा कराए थे। फरवरी तक वो मीटर चेंज नहीं हुआ और फरवरी में ऑल ऑफ सडन मीटर की MDI जो है ना, हमारा 19 किलोवाट लोड है तो 116 पॉइंट कुछ दिखा दी उसने, वो मीटर की इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हुआ। तो उसके बाद सर हमने रिक्वेस्ट दी, क्योंकि 48,000 का इन्होंने एडिशनल जो चार्ज बनता था वो लगा के भेज दिया पेनल्टी, तो हमने रिक्वेस्ट लेटर दिया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपका मीटर लेबोरेटरी जाएगा, आप तब तक पार्ट पेमेंट कर दीजिए, और इन्होंने पार्ट पेमेंट हमसे ली और इन्होंने मार्च में हमारा मीटर चेंज किया। मीटर चेंज करने के बाद लेबोरेटरी में आया वो डिफेक्टिव मीटर, तो उसमें लेबोरेटरी में रिपोर्ट दी गई कि इसका डेटा जो है हमारी यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाए, इस वजह से हम इसकी रिपोर्ट कुछ भी जनरेट नहीं कर सकते, और मोर ओवर इसमें जो है ये पॉसिबल नहीं है कि ये MDI इतनी, ये मीटर के टेक्निकली अंदर से कोई प्रॉब्लम है। फिर हमने SDO साहब से कहा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, उन्होंने कहा सर आपका मीटर मैं चंडीगढ़ भेजूंगा LNT के ऑफिस जहाँ से मैन्युफैक्चरर है इसका, तो वहाँ पे हम लेके गए इसका मीटर को। JEE साथ में गया इंडस्ट्री एरिया से हमारे साथ, उन्होंने कहा कि सॉरी आपने ये मीटर खोल दिया है इसलिए हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने भी SDO हमें उसी दिन वापस भेज दिया। फिर SDO साहब ने कहा कि ठीक है आप अभी पार्ट पेमेंट कराइए, इसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कर्नाटका में ये जाएगा और ये बात जून जुलाई की है, और उसके बाद हम कंटिन्यूसली इनके संपर्क में रहे कि आप कर दीजिए, इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। और जो नया मीटर चेंज किया था, जो मार्च में चेंज किया, इनफैक्ट अक्टूबर तक उस मीटर की रीडिंग इनके रिकॉर्ड में नहीं आई। डिमांड है जी आपकी? अभी हमारी ये डिमांड है कि हमारा जो भी ये पेनल्टी इन्होंने लगाई उसका वेवर मिलना चाहिए और हमारा जो एक्चुअल बिल बनता है वो हम पे करने के लिए, और ऑल ऑफ सडन कल इन्होंने SDO ने भी और इनके स्टाफ ने बोला जी हम तो आपका मीटर ये कनेक्शन काटने आ रहे हैं, आपने बिल पे नहीं किया। अब हमारे एंड से कोई ऐसा डिफॉल्ट नहीं हमने किया, इनके एंड से ही कमी है, तो ये हमारा कैसे कनेक्शन। तो आज हम ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आए थे, उन्होंने जी क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आश्वासन दिया कि 24 घंटे में आपको कॉल आएगी और आपका जो भी ये कंप्लेंट है इस पर एक्शन लिया जाएगा और इसको ठीक किया जाएगा। एक्चुअली जनता दरबार में हमारे को 3 मामले आज रिसीव हुए हैं, 2 तो थोड़ा सा लेट रिसीव हुए, एक ही मामला पहले आया हुआ था 12:30 बजे तक, उसके बाद 3 मामले हुए हैं, तीनों बिल से रिलेटेड मामले हैं और जो भी है कार्रवाई उस पर जो कंसर्न SDO है उनको डायरेक्शन दी गई है और उम्मीद है कि वो हम उनको सेटिस्फाई कर देंगे, एक हफ्ते में हम कर देंगे इसको। सर एक पोल्ट्री फार्म का मामला है कि बिल नहीं आ पा रहा, वो काफ़ी पेनल्टी लगा दी है, क्या मामला? एक्चुअली वो जो क्रक्स उसका मुझे समझ में आया वो बेसिकली मीटर का इशू है, मीटर लैब में टेस्ट हुआ है और लैब में कई बार रीडिंग रिट्राइव नहीं होती है, तो उस रीडिंग जिन मीटर की रीडिंग रिट्राइव नहीं होती है उसको हम फिर फर्म को भेजते हैं, तो अभी वो फर्म लेवल पे पेंडिंग है तो उसको हम एक्सपेडाइट करा देते हैं, LNT का मीटर है तो देखते हैं उसको जल्दी कराएंगे। सर एक और कंप्लेंट आया था करीब, देखो 2 वर्सन होते हैं, एक तो कंज्यूमर का अपना वर्सन होता है, दूसरा होता है कि एज पर जो नियम जो निगम्स नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हम उस पर क्या एक्शन लेते हैं, तो जो भी जेन्युइन अब चूँकि हमारे संज्ञान में आई हुई ये चीज़ें, एक्सएन साहब भी बैठे हुए हैं, तो जो भी एज पर रूल्स होगा उसको हम परफेक्ट करेंगे। ठीक है, बिना डिपेंड मैंने कहा ना ये कंज्यूमर का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष तो अभी हमें इंक्वायर करना है।
तो वो इंक्वायरी करने के बाद ही सामने आएगी चीजें। सर, जनता का ये भी कहना है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि जनता दरबार लगेगा या फिर नहीं। बहुत कम लोग आ रहे हैं आपके पास। एक्चुअली जनता दरबार देखो, हमें तो है कि पेपर में पब्लिश कराना है और वाइड इसकी पब्लिसिटी हम अपने एक्सियंस एंड एसडीओ के थ्रू भी देते हैं कि आज जनता दरबार लग रहा है। वैसे तो ये प्री डिसाइडेड है कि हर मंगलवार को जब भी अगर कुछ अड़चन नहीं आती है तो हम हर मंगलवार को ये जनता दरबार इस टाइप का जो लगाएंगे, फोरम है बेसिकली ना, दिस इज नॉट जनता दरबार, ये कंज्यूमर फोरम कह सकते हो, उस बेस पे हम करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।